हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है पेट सफा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है, शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो इसकी पैकिंग मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसी है। ये टेबलेट फॉर्म के अंदर है, इसके अंदर 30 टेबलेट्स हैं, और इसकी 30 टेबलेट्स की इसकी क्वांटिटी है। और इसके अंदर अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। और इसका जो कंपनी ने यूज मेंशन किया है, वो किया है गैस, एसिडिटी और कब्ज के लिए मेन इसका यूज है। और ये दिवसा इसके ऊपर लिखा जाता है, और डॉक्टर जुनेजा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप इसको मार्केट से या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके अंदर क्या क्या मेडिसिन डली हुई हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। और इसका एक प्रोडक्ट और भी आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पेट सफा ग्रैनुल्स। तो ये भी लग्जेटिव है, फंक्शन लगभग कंपनी ने सेम फंक्शन लिखा है, लेकिन मैं आपको दोनों के इंग्रेडिएंट्स से हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या जो मेडिसिन डली हुई है, जो आयुर्वेदिक हर्बल्स क्या क्या डली हुई हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस केस के अंदर किसको ग्रैनुल्स फॉर्म में यूज़ करना चाहिए और किसको टेबलेट फॉर्म के अंदर यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। तो कृपया पूरा फ़ायदा लेने के लिए, प्रोडक्ट्स की जानकारी पूरी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रैनुल्स के बारे में। तो ग्रैनुल्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो हैं सेना। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसके अंदर सेना। सेना, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा पर्गेटिव है। ये हमारे मोशन को लूज़ करता है और सॉफ्ट करके उसको बाहर निकाल देता है। अगर इसकी हम क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले लें तो ये हमारे स्टूल को बहुत पतला भी कर देता है। तो लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिकली मेथड से कंपनी ने प्रिपेयर किया है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको हम जिस डोज में बताएंगे उस डोज में लेंगे। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर काला नमक, जिसे आप सभी जानते होंगे, ब्लैक साल्ट, आपने इसका नाम भी सुना होगा। ये बहुत ही कार्मिनेटिव होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है जो है इसके अंदर, तीसरा जो है इसके अंदर है अजवैन। तो अजवैन आप जानते हैं, ये हमारी अग्नि को बढ़ाती है, कार्मिनेटिव है, और हमारे पेट के अंदर अगर किसी तरह का स्पास्म होता है, पेन वगैरह होती है, कॉलिक्स वगैरह होता है, उसके अंदर रिलीफ करता है और हमारी गैस को भी ये में भी रिलीफ करता है। तो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका हरी टाकी, जिसको हम हर्ड कहते हैं। हर्ड के भी आप फंक्शंस में क्या होता है, ये कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है, और ये हमारी काफ़ी बॉडीज की जो आई डिसीज और कई विकारों के अंदर ये काम करता है। तो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है निसोथ, जो कि बहुत ही अच्छा एक कब्ज़ के लिए माना जाता है। कब्ज़ के साथ इसका यूज़ होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा बैक्टेरिसाइडल है, एंटी फंगल भी है, तो एंटीवायरल भी है। तो इसके अंदर ये निसोथ भी डाला है, तो इसका मतलब इसके अंदर डालने से इसका ये फायदा रहता है कि अगर हमें पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो भी हमारा इससे सॉल्व हो जाएगा। अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है स्वार्थिक क्षार, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर है के नाम से जानते हैं। तो ये एक एंटा एसिड का काम करता है, जैसा कि आपने मैंने कंपनी ने ऊपर मेंशन किया है, ये गैस के अंदर यूज होता है, एसिडिटी के अंदर यूज होता है, तो इसके लिए इसने इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट डाला गया है। अगला सेंधा नमक है, रॉक साल्ट, जैसा कि आप इसको जानती हैं, रॉक साल्ट के बारे में, इसके अंदर बहुत ही मिनरल्स होते हैं और बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है सौंफ। सौंफ भी हमारी जठाग्नि को अच्छा करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और जो हमारी गैस वगैरह प्रॉब्लम में भी रिलीफ करती है। और लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इसका है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी एक बहुत ही अच्छा हमारा कब्जी के लिए माना जाता है। वैसे तो कैस्टर ऑयल के लोकल एप्लीकेशन स्किन के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको इसके अंदर जो यूज़ किया गया वो कब्ज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो ये थे दोस्तों इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब मैं बताऊंगा कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मुताबिक इसको हमें, जिनकी प्रकृति गर्म है उनको तो ये ग्रैनुल्स फॉर्म यूज़ करना चाहिए, और जिनकी प्रकृति ठंडी है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा ब्लड्स यूज़ करना चाहिए। वो है पेट सफा टेबलेट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेट सफा टेबलेट्स हैं। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ही कंपनी ने फ़र्क रखा है, एक दो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फ़र्क है। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट का डिफरेंस है वो है, एक तो इसके अंदर काली मिर्च, जस्टी मधु,
और इसके अंदर जो डला है कली हर्ड डली है, त्रिफला की जगह उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर हर्ड कर दिया है और काली मिर्च डाल दी है और जष्टी मधु डाल दिया है। इसके मतलब काली मिर्च इसे अग्नि दीपक है, ये मोती हमारी जठा अग्नि को बढ़ा देता है। बाकी वो सारे ये काम करता ही है जो हमारा पेट ग्रंथि काम करता है, लेकिन ये उनके लिए टेबलेट्स उनके लिए ज़्यादा बेटर है जिनकी प्रकृति थोड़ी ठंडी है, जिनको कफ वगैरह या साइनस या कोल्ड वगैरह की जल्दी प्रॉब्लम होती है, गला ज़्यादा ख़राब होता है। अगर उन पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें टेबलेट ज़्यादा बेनिफिटेड देगी। तो ये से इसके यूजेस, अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ करना, अब ग्रैनुल्स भी हैं और टेबलेट्स भी हैं, तो ये आपको अपनी प्रकृति देख के मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है भी किसमें क्या यूज़ करना है। गर्म प्रकृति वालों को यूज़ करना है ग्रैनुल्स फॉर्म, और जिनकी प्रकृति ठंडी है उनको यूज़ करना है टेबलेट फॉर्म। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हमने डोज कितनी लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैनुल्स की, पेट सफ़ा ग्रैनुल्स को हमने जो लेना है 1 से 1.5 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त। तो इसको आप रेगुलर लीजिए थोड़े दिन, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप टेबलेट फॉर्म यूज़ करते हैं जिनकी प्रकृति मतलब ठंडी वाली है और जिनको मतलब कफ कोल्ड की भी प्रॉब्लम रहती है, वो भी समस्या उनकी सॉल्व हो जाएगी, तो उसके लिए ये जो पेट सफ़ा टेबलेट है इसकी जो डोज लेनी है 1 से 2 टेबलेट रात को सोते टाइम गर्म पानी से। तो इसको लेने से आपको आप डोज 1 टेबलेट जिनको कम प्रॉब्लम है वो 1 टेबलेट ले लें, नहीं तो शुरू में 2 टेबलेट ले लीजिए, तो जब आपकी समस्या सॉल्व हो जाए तो आप 1 टेबलेट ले सकते हैं। तो ये थी इसकी इंडिकेशन डोज। अब इसकी इंडिकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। इसका इंडिकेशन जैसा कि दोनों का मेंशन किया है विरेचक और अग्निदीपक पाचक, तो जिसका मतलब यही है कि ये कॉन्स्टिपेशन हमारी जठा अग्नि को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो योजना इसका ग्रैनुल्स फॉर्म जो है इसका एक और भी फायदा है कि जैसे हम इसबगोल का हस्क वगैरह लेते हैं तो हमारे मुँह में चिपक जाता है, तो इसका लेने का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि ये मुंह में हमारे चिपकता नहीं है। और दूसरा मैंने जैसा कि बताया कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसकी किसी भी तरह की हमें आदत नहीं पड़ती। तो ये थी इस प्रोडक्ट की कुछ खूबियाँ जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो यूज़ करने से पहले, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल बता के अपनी प्रकृति के बारे में हमारे से सुझाव ले सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी। ये प्रोडक्ट्स बहुत ही साइंटिफिकली वे से कंपनी ने बनाया है और इसका बहुत ही प्रचलन भी है और इस प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप इसे यूज़ करिए और इसके रिज़ल्ट देखिए और हमें भी बताइए इसका कैसा रिज़ल्ट आपको मिला है। धन्यवाद, थैंक यू।